आरएसएम केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने टॉपिक 2 पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि रसायन विज्ञान के जन्मदाता लवासिए हैं। आखिरकार लवासिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री क्यों कहते हैं? सबसे पहले केमिस्ट्री जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है केमिया। केमिया का मतलब है काला रंग या केमिकल्स। एंटोनी लेवसिए जो एक फ्रेंच रसायनशास्त्री थे, उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सबसे पहले उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था दी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। दी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, इस बुक में उन्होंने लगभग 105 तत्वों के बारे में बताया था, उसके गुण, उसकी प्रकृति के बारे में बताया था। इसके बाद ही मेंडलीफ ने उन तत्वों को एक वर्ग में और आवर्त में रखकर एक सारणी दिया जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। उसके पहले ही उन्होंने अपने बुक में लगभग 105 तत्वों के बारे में बता दिया था। दूसरा आवर्त सारणी का जो पहला तत्व हाइड्रोजन है, उसका नाम हाइड्रोजन का नाम एंटोनी लवासिए ने दिया था, जबकि हाइड्रोजन की खोज सर हेनरी कैवेंडिश ने की थी। चूंकि रसायन के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण योगदान लवासिए ने दिया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं।